हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्राम न्यायालय और कारण, विशेषताएं और उसकी स्थापना के बारे में। दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले स्तर पर यानी बात करें तो तृणमूल स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर ही न्याय सुलभ कराना और यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। कारण न्याय ग्राम न्यायालय स्थापित करने के निम्न कारण हैं। पहला, गरीबों एवं साधनहीनों तक न्याय सुलभ कराना अब तक विश्व स्तर पर एक गंभीर समस्या है। भले ही इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हों और समितियां असल में लाई गई हों, हमारे देश में संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को निर्देशित करता है कि यह सुनिश्चित करे कि समानता के आधार पर देश में वैधानिक प्रणाली लाभ को बढ़ावा देती है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्याय को प्राप्त करने के अवसर से कोई नागरिक आर्थिक या अन्य आवश्यकताओं के कारण वंचित न रह जाए। इसके लिए राज्य नागरिकों के लिए पृथक कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है कराएगा। दूसरा, हाल के वर्षों में सरकार ने न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए। पद्धतिमूलक कानूनों को सरलीकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं को जैसे दिव्यांग समझौता तथा मध्यस्थता का समावेश, लोक अदालतों का संचालन आदि ऐसे ही उपाय हैं। तीसरा, भारत में विधि आयोग की अपनी 114वीं रिपोर्ट जो ग्राम न्यायालय पद है में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया है, जिससे कि सस्ता एवं समुचित न्याय आम नागरिकों को सुलभ कराया जा सके। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मोटे तौर पर विधि आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। गरीबों को उनके दरवाजे पर ही न्याय सुलभ हो या गरीब आदमी का सपना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना में ग्रामीण लोगों को त्वरित, सस्ता व समुचित न्याय सुलभ हो सकेगा। ग्राम न्यायालय की प्रमुख विशेषताएँ। पहला, ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी में दंडाधिकारी की अदालत होगा तथा न्यायिक कारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार करेगी। दूसरा, ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा। जिले में मध्यवर्ती स्तर पर अथवा मध्यवर्ती स्तर पंचायतों के लिए एक समूह के लिए अथवा जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं हो वहाँ पंचायतों के समस्त समूह के लिए। तीसरा, न्यायाधिकार जो इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे और उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे और उन्हें उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी जितने की एक प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को जो कि उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। चौथा, ग्राम न्यायालय एक चलंत न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट होगा और यह फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्ति का उपभोग करेगा। पांचवा, ग्राम न्यायालय की पीठ मध्यवर्ती पंचायत मुख्यालय पर स्थापित होगी। वे गांवों में जाएंगे, कार्य करेंगे और मामलों का निस्तारण करेंगे। छठा, ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों एवं वादों पर अदालती कार्यवाही चलेगी, जैसे कि अधिनियम की पहली एवं दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। केंद्र एवं राज्य सरकारों का प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया जाए गया है, जिनकी अपनी विधायी शक्ति के अनुसार। आठवां, ग्राम न्यायालय फौजदारी मुकदमों में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। नवा, ग्राम न्यायालय सिविल न्यायालय की शक्तियों का कुछ संशोधन के साथ उपयोग करेगा और अधिनियम में उल्लेखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। दसवां, ग्राम न्यायालय उच्च पक्षों के बीच समझौता करने के हर संभव प्रयास करेगा ताकि विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए। इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थों की भी नियुक्ति करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की हैसियत हुकरनामों के बराबर होगी और इसके कार्यान्वयन के विलम्ब को रोकने के लिए ग्राम न्यायालय संचित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा।
बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा अगर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट, फौजदारी मामलों में अपील सत्राधीन न्यायालय में प्रस्तुत होगी जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट, दीवानी मामलों में अपील जिला न्यायालय में दाखिल होगी जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर कराया जाएगा। नेक्स्ट, एक आरोपित व्यक्ति अपराध दंड को कम या अधिक करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है। स्थापना, केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर आने वाले गैर आवर्ती खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक खर्च वहन करने का निर्णय लिया है जिसमें 10 लाख रुपए न्यायालय के निर्माण कार्य और 5 लाख रुपए वाहन के लिए तथा 3 लाख रुपए कार्यालय उपस्कर के लिए होगा। अधिनियम के अंतर्गत 5,000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की आशा की जाती है जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपये संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत राज्य सरकारों के ही उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करनी है। 2016 तक ग्राम न्यायालयों की स्थापना की राज्य परिस्थिति इस प्रकार से है। पहला, मध्य प्रदेश में 89 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। 89 राजस्थान ग्राम न्यायालयों की अधिसूचित है। 45 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। 45 कर्नाटक में ग्राम न्यायालय की अधिसूचित 2 लेकिन ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं 0। उड़ीसा में 16 अधिसूचित हैं जबकि कार्यरत हैं 13। महाराष्ट्र में 23 अधिसूचित हैं और कार्यरत हैं 23। झारखंड में 6 अधिसूचित हैं, कार्यरत हैं 0। गोवा में 2 और कार्यरत हैं 0। पंजाब में 2 कार्यरत हैं 1। हरियाणा में 2 कार्यरत हैं 2। उत्तर प्रदेश में 104 ग्राम न्यायालय अधिसूचित हैं जिसमें कि ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं केवल 2। टोटल 291 है जिसमें कि 175 जो हैं वो कार्यरत हैं। ज़्यादातर राज्यों में ने तालुका स्तर पर नियमित न्यायालयों की स्थापना कर दी है। पुनः पुलिस अधिकारियों एवं अन्य राज्य कर्मचारियों का ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहने के प्रति झिझक अनुत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया नोटरियों तथा स्टैम्प वेंडरों की अनुपलब्धता नियमित न्यायालयों का समवर्ती क्षेत्र अधिकार हित न्यायालयों द्वारा इंकित अन्य मुद्दे हैं जो कि ग्राम न्यायालयों के संचालन में बाधक बन रहे हैं। ग्राम न्यायालयों ने के कार्य संचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अप्रैल 2013 में उच्च न्यायालयों के कार्याधीशों एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में चर्चा हुई। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय मिलकर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के बारे में निर्णय लें जो कहीं भी संभव हो और उसकी स्थानीय समस्याओं को भी ध्यान रखें। पूरा ध्यान उन तालिकाओं में ग्राम न्यायालय स्थापित करने में होना चाहिए चाहे नियमित न्यायालय नहीं हो। अधीश न्यायालयों में संबंधित अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233A कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का मान्यकरण तथा उनके द्वारा निर्णयों का मान्यकरण 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 236 व्याख्या 237 इस अध्याय के प्रावधानों का दंड अधिकारियों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।